Dear students, question number 2, NCERT math, exercise 8.1, ka question number 2. In the given figure, find the tan P minus cot R. हमको फिगर दिया गया है उसके हमको फाइंड करता है tan p minus cot r हमको फिगर में क्या-क्या दिया है pq दिया है pr दिया है qr नहीं दिया है और इसको q इसको 90 डिग्री दिया है जब किसी भी राइट एंगल में अगर राइट एंगल दिया है इसका 90 डिग्री दिया है तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथा गोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहां पर इसका करना पीआर का स्क्वायर बराबर पीक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एच स्क्वायर कितना है 13 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 इक्वल 144 प्लस बी स्क्वायर तो 169 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 144 का इक्वल बी स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर 25 इक्वल बी स्क्वायर तो b स्क्वायर यानी यहां से अगर b हम निकालेंगे b स्क्वायर इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये मेरा निकल गया qr 5 सेंटीमीटर उसके बाद जब ये निकल गया तो हमको लगा फाइंड करने के लिए tan p - cot r तो हम लोग यहां पर पहले tan p का मान निकालते हैं tan p इक्वल P by B होता है वही जो फार्मूला आपको 6 याद है उसी पे बनना है P by B होता है अब P इसको किधर बोलेगा अब यहां पर एंगल देखिए P यहां पर है एंगल कहां बना रहा है P यहां पर ये दो लाइन के बीच में P यहां बना रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जो इसका बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है तो मेरा हो जाएगा इसका PA हो जाएगा यानी QR by PQ QR equal to 5 और PQ equal to 12 और यहां पर cot R निकालेंगे cot R तो cot R यहां पर बना रहा है तो cot R दो लाइन के बीच में जो यहां पर बना रहा है R और ये एंगल यहां पर P बनाया था तो cot R के सामने वाला भुजा इसका परपेंडिकुलर P ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा तो cot R का इसका cot R का BY फार्मूला क्या होता है BP होता है B इसका ये QR और P इसका हो जाएगा PQ तो QR QR का मेरा 5 हो जाएगा और PQ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जब ये हो जाएगा तो हमको बोलना है फाइंड मान निकालने के लिए तो मान यहां पर निकालना है फाइंड करना है tan P minus cot R तो tan P यानी 12 5 by 12 minus 5 by 12 यानी कट के 0 क्या आ जाएगा 0 यही हमको फाइंड दिए वैल्यू निकालना था 0 आ जाएगा फ्रेंड्स आपको वीडियो देखना है कैसे जैसे आप यहां पर क्वेश्चन अपना सॉल्व कैसे कीजिए क्वेश्चन देखिए दो नंबर पहले इसको देखिए उसके बाद अपना से वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपना से सॉल्व कीजिए अगर अपना से सॉल्व हो रहा है ठीक है उसका फिर पॉज करके फिर उसको ओपन की चलाइए और जब तक आपको अपने से नहीं बन रहा तब तक उसको रुक-रुक अपना सॉल्व कीजिए तब जाकर अपने आप बढ़ेगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तब शेयर करें एंड कमेंट करें एंड लाइक करें एंड थैंक्स